अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास रजा ताज। आज हम मौजूद हैं कराची के ऐसे बाजार में जहां पूरी दुनिया की हर वो चीज़ मिलती है जो पूरी दुनिया में शायद ना मिले। पूरे कंटेनर यहां पे आते हैं, बच्चों का खेल का सामान, सोफे, फर्नीचर और घर की एक्सेसरीज, और यहां तक कि फैक्ट्रियों की मशीनें भी यहां पे आती हैं। मैं यहां पे लेके चलता हूं, लोगों से बात करता हूं कि वो यहां पे क्यों आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बादल। बादल? अबे कराची में बादल नहीं आ रहे? आएंगे। कब आएंगे? जब बारिश होगी तो फिर आएंगे। तो जरा बादल का गाना तो सुना दो। गाना नहीं आता यार। गाना नहीं आता? नहीं। तुम घर वालों के लिए बादल हो भी या नहीं? हाँ है ना, घर वालों के लिए। अच्छा, घर वालों के लिए बादल हो। तो यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ पर सामान बेचने आए, भाई है मेरा। अच्छा, क्या बेचते हो? ये सामने। ये सामान बेचते हो? हाँ। एक बड़ा पतला सा शख्स मेरे पीछे छुप गया, क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। इसको बादल कहते हो? जी भाई है। कराची में बादल नहीं आते तो बादलों को गालियां भी दे रहे हो? नहीं नहीं, भाई है मेरा बड़ा। भाई को थोड़ी बादलों को देते हो ना? भाई है मेरा भाई। अच्छा चले यार, लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है? इमरान। इमरान भाई, हेलमेट वगैरह दे रहे हो? सारे मैं देख रहा हूँ सेकेंड हैंड है, तो क्या सस्ते प्राइस में देते हो? जी। कहाँ से लाते हो हेलमेट? शेरशाह से और जगह बहुत है। यार आजकल हेलमेट चोरी बहुत हो रहा है, क्यों? ये पूछ रहा हूँ ना मैं, वहाँ नहीं चले जाओ तुम। वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, ओके चला और से बात करते। जो आपको लगी मत भी नहीं मिलेगी, ये सारी ब्रांडेड चप्पलें हैं यहाँ पे भाई की। सलाम अलैकुम भाई। सलाम भाई जी। क्या नाम है? अर्जुन नाम है। अर्जुन रामपाल? अर्जुन रामपाल तो यहाँ बैठे हुए। अर्जुन भाई क्या बेच रहे हो? चप्पलें बेच रहे हो यहाँ पे भाई? तो अच्छे रेट मिल जाते? बिल्कुल अच्छे रेट चला रहे, पहले 800 की चलाते, अभी 500 में चला रहे। 500 में इतनी सस्ती चप्पलें? हाँ ना। अच्छा, मुल्क के हालात की वजह से? अपने हालात की वजह? अपने कोई कारोबार नहीं है, हालात तंग है इसकी वजह से। भाई अर्जुन भाई की चप्पलें बिक रही हैं यहाँ पे बहुत अच्छी, चलाएं। तो ये मेरे ख्याल से ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा भाई, आजकल जिस तरह की गर्मी है, अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है। कितने का दे रहा है? कितने का? 1500 के। ओह ये तो बहुत महंगा है, महंगा दे रहा खान, 1500 हो गया। अच्छा मुझे देख के महंगा किया, क्या मांगने आई हो? कितने पैसे चाहिए? जो भी देंगे ले लेंगे। ये जो पैसे देंगे ले लेंगे। डेली का कितना कमा लेती है? ये 300-400। देखो वो आपकी साथी हंस रही है, आपको भी बताया गलत बयान नहीं कर रही है, ये मेरा 5 मिनट का बता रही है। 300-400 कमा लेती है आप? 300-400 कमाते, यानी कि डेली का 1000 कमा लेती है ना? 1500-2000। 1500-2000 पूरी दुनिया देख रही है? नहीं नहीं, कहीं इतना नहीं होता। 1500 तो कमा लेती है, 1500-2000। लेकिन मांगने में बड़ा पैसा, हमारे सियासतदान भी मांग रहे हैं, आप भी मांग रही। हमारे को नहीं दे रहे, सब लोग मना दे रहे। भाई मुझे पता चला आप दिन का 1500-2000 कमाते। हाँ कमाते तो हो जाता, तो अल्लाह का शुक्र कभी बन जाते। 70-80 हज़ार की इनकम हो जाती। भाई 70-80 हज़ार ये तो लोगों से ज्यादा कमा रही है। भाई सौदा बल गया? नहीं यार, बहुत महंगा बोल रही है, हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है। आपका पैसे नहीं है? हाँ। डिस्काउंट दे? नहीं दे रहे ना। पंखा लेना है बोलते, ये मेरे पारा पता नहीं 40 पंखे बिक गया। कितने का बेच रहा है ये? 2600। 5000। तुम कितना बोल रहे? मैंने भी कुछ बोला नहीं। आपने कुछ बोला नहीं? हाँ तो बोलो बोलो, बात पक्की करो, मुंह मीठा करो। देखते हैं, अभी बात करते हैं। भाई यहाँ पे क्या चल रहा है? भाई जान ये आज ऑफर लगाई हुई है। क्या टेप की ना, ये आज सारा माल सेल लगाई हुई है। क्या सेल लगाई? कितने का दे रहे हो? ये 50 वाला दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। ये अच्छा, कपड़े वाला टेप ये दुकान पे आप जाएंगे 70 रुपए का, यहाँ पे सिर्फ 40 रुपए का। इतना सस्ता? जी। ऐसा क्या है, माल कहाँ से लिया है माल? भाई ये माल आज हमारे को मिल गया था लाट ना, तो हम इसलिए सस्ता दे रहे हैं। वाह जबरदस्त। तो भाई यहाँ पे टेप की तो हर घर में जरूरत होती है, आजकल घर में बच्चों वगैरह को जरूरत होती है टेप वगैरह की। भाई ये तो बड़ी सस्ती दे रहे हैं 40 रुपए। घर से लेके, स्कूल से लेके, कंपनी से लेके, टेप के बगैर कोई काम चलते ही नहीं है। हर जगह चिपकाना पड़ता है, चाहे माल चिपकाओ या पैसा चिपकाओ या लोगों को चिपकाओ, चिपकाना तो जरूर पड़ता है। जरूर है। जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। नाज़रीन लोगों के हालात की वजह से दुनिया लेटती है। भाई ये चैनल देख के लेट गए, ये मैं आ जाऊँ चप्पल उतारने। अरे अब तो यार, अब तो आ गया। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई इतने आराम से, इत्मीनान से क्यों लेटे हुए? खैरियत? काम ही सारा बिक गया?
काम ही नहीं है, माल तो भरा हुआ है। माल भरा हुआ, काम नहीं है? काम नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना फिर, सियासतदान तो आप लोग का सोच रहे हैं, आराम करें। नहीं, सियासतदान अपना सोच रहे हैं, हम अपना सोच रहे हैं। और नाजन आवाज में मौजूद है कराची के मशहूर यूपी बाजार में, जहाँ पे कराची का हर वो माल मिलता है जो पूरे पाकिस्तान में ना मिले, यहाँ तक के सदर मार्केट में भी ना मिले, वो यहाँ पे कराची में आपको इजीली वो माल मिल जाता है। और यहाँ पे हमने लोगों से बात की, कुछ लोग तो खुश हैं, लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं, मगर हालात को हर कोई यहाँ पे रो रहा है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, लोगों की सेल में बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि सेल तो वही है, कीमतें तो वही हैं उनकी अपनी चीज़ों की, मगर ज़रूरी अशियाओं की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। पर यहाँ पे मज़ा आया, लोगों से थोड़ी हंसी मजाक किया ताकि थोड़ा लोगों का दिल अच्छा हो, थोड़ा एंटरटेन हो। तो इसी तरह जाते जाते मैं आपको कहता चलूँगा, मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़िंदगी के सब रंग 99 न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।